Hello everyone, welcome back to Fitness Nutrition in Soul Channel. Aaj hum baat karenge macro calories ki, jo ek general rule thumb hai bodybuilding ka. Main abhi recent apni studies mein article padh raha tha ki macronutrients, what are the optimal macronutrients jo bodybuilding ke liye hone chahiye. Because itne sare trainers hai, unke sabke apne apne opinions hai. Par jo research batati hai, jo maine padha hai, उसके हिसाब से अगर आप 1.7 टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलो ऑफ बॉडी वेट ले रहे हैं, पर जो रिसर्च बताती है, जो मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से अगर आप 1.7 टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलो ऑफ बॉडी वेट ले रहे हैं, दैट्स सफिशिएंट इनफ. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर 70 किलो, तो आप 70 किलो के हैं, तो आप 120 से 140 ग्राम प्रोटीन आपके लिए सफिशिएंट है मसल बिल्डिंग के लिए. तो अगर आप फैट ले रहे हैं अराउंड 1.2 to 1.5 इज सफिशिएंट इनफ टू मीट अपना, वो सफिशिएंट है आपकी बॉडी के लिए कि जो फैट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो अदर हॉर्मोन्स के लिए, जा सेल मेम्ब्रेन के लिए, जा स्किन के लिए, जा और बॉडी में जो भी उसके फंक्शंस होते हैं. तो अगर आप 70 किलो के हैं, तो आपको अपना क्या 70 से 80 ग्राम फैट इज 70 to 90 इज मोर देन सफिशिएंट इनफ. ये इतना काफी होगा. और कार्ब्स का जनरल रूल थंब क्या है, देखो ये एक बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है, तो उसमें ये है कि 3 से 7 ग्राम, सम पीपल कैन गो अप टू 10 ग्राम, वो 10 उनके लिए है जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है और उनका वेट नहीं गेन हो रहा, पर जनरली 3 से 7 ग्राम इज सफिशिएंट इनफ. मैं यही लेता हूँ, 2 ग्राम प्रोटीन दिन का, राउंड 1.2 ग्राम लेता हूँ फैट का पर किलो ऑफ बॉडी वेट. और अपना कार्ब्स मैं इस टाइम दौरान मैं 5 ले रहा हूँ. आई विल सी फॉर दी, देखूंगा अगले एक महीने में बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है. अगर मैं फैट थोड़ी ज़्यादा गेन करने लग गया तो मैं 4 कर दूंगा, अगर मेरी बॉडी नहीं थोड़ी ग्रो कर रही तो उसको मैं 6 ग्राम कर दूंगा. तो इसमें आपको एक ये हो जाएगा कि अगर जब आपको पता चल गया कि आपने कैलोरीज मेंटेनेंस लेवल आपका क्या है, तो आपको प्रोटीन और फैट को ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं है. बट आप कार्बोहाइड्रेट्स तब अपना थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो अपने बॉडी को रिस्पॉन्ड देखने के लिए कि कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है. तो अगर आपकी बॉडी 4 ग्राम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही कार्ब्स पे, तो आप 5 ग्राम पर किलोग्राम कर लें, 5 पे नहीं कर रही तो 6 कर लें. तो आप उस पे ये हो जाएगा कि आपका एक फाउंडेशन सेट हो जाएगी. तो आप रेदर देन कि आप डाइट को कम्प्लीटली चेंज कर दें, जो मैंने पास में बहुत ही ज़्यादा कम्प्लीटली चेंज किया है, स्पेशली जब मैं एक ट्रेनर से दूसरे ट्रेनर के पास जाते हैं, कब कई बार डाइट बहुत चेंज हो जाती है, पर अगर आप खुद अपनी डाइट कर रहे हैं तो एक आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा. उस फाउंडेशन को आप मैनिपुलेट कर सकते हो और आप सीख सकते हो कि वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके लिए कैसे आपको रिजल्ट दे रहा है. So I hope this helps you guys. So if you have any questions, please put it in a comment. And if you haven't subscribed our channel, please do it now and press the bell button so you get the notification. And as I said before, कि ये बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है उसकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की. एंड देन वंस के अगर जब ये आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट पूरा हो जाएगा ना, तो आप उसके बाद सप्लीमेंट ऐड करके देख सकते हैं बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है ये वो. एंड एक चीज और जस्ट लास्ट में, कि टेक योर टाइम गाइस, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स नॉट गोना हैपन इन 2 मंथ्स और व्हाटएवर, बिकॉज़ आई एम टॉकिंग अबाउट के हम नेचुरल की बात कर रहे हैं और हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं. तो ये सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट का था. तो क्या क्या इंक्लूड करना है उस मैक्रोन्यूट्रिएंट में, वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा. थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स.